रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। दिस इज फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम योर बुक मैथ बी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एंड वी आर रीडिंग टुडे पेज नंबर नंबर 129 एंड यूनिट नंबर 6, फंडामेंटल ज्योमेट्री। यस, दिस इज अवर टुडे टॉपिक। एक्चुअली ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योमेट्री असल में है क्या। सेवन क्लास ज्योमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसका कंसर्न ऐसी शेप्स और ऐसी थिंग्स के साथ है जो कि रियलिटी में हमें नजर आती हैं, जैसे कि लाइन, रे, या हमारे पास एंगल्स होते हैं। एंगल्स की बहुत सी टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ज्योमेट्री में। फिर एंगल्स के हम शेप बनाते हैं। एंगल्स की शेप्स कौन सी हैं? ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड एनी मोर शेप्स, जो जिनके अंदर के हमें एंगल्स को डिस्कस करना पड़ता है। नाउ देयर आर मोर देन कर्व्स, कर्व शेप्स लाइक सर्कल एंड अ सिलेंडर, ये शेप्स जो हैं ये बेसिकली हमारे कर्व्स को शो कर रही होती हैं। एंड एनी अदर कॉन्सेप्चुअल, जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, या जिसके अंदर हम बेसिकली कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे। तो ज्योमेट्री की इस ब्रांच को बोलते हैं फंडामेंटल ज्योमेट्री। देयर इज अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्री व्हिच इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इन व्हिच वी ड्रॉ द शेप्स बाय यूजिंग कंपास और प्रोट्रैक्टर एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इन योर ज्योमेट्री बुक्स। इन दिस ज्योमेट्री वी डोंट ड्रॉ एनी ट्राइंगल और एनी रेक्टेंगल और एनी शेप बाय मेजरमेंट, ओनली कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है, दिस इज द फंडामेंटल ज्योमेट्री। इन अदर वर्ड्स, फंडामेंटल इज द कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री। ये कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री है जिसमें कि हम ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले इन योर प्रीवियस क्लासेस बहुत बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन एंड व्हाट इज अ रे। बेसिकली तीनों ही लाइन की टाइप्स हैं, ये तीनों ही लाइन की टाइप्स हैं। अब लाइन जो है उसकी आगे से कैसे हमने इसमें इनको जस्टिफाई करना है? सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स, लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट एंड रे हैविंग वन एंड पॉइंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री लाइन्स। ये तीनों ही लाइन है लेकिन लाइन की आगे से ये टाइप्स हैं। जब टू एंड पॉइंट आते हैं तो वो लाइन सेगमेंट है, जब हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं आता तो हम उसको लाइन बोलते हैं, और जब हमारे पास वन एंड पॉइंट आता है तो वो होती है हमारे पास रे। आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न दीज लाइन टाइप्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। नाउ इनका स्टार्ट कहाँ से होता है? इनका स्टार्ट बेटे होता है पॉइंट से। बेसिकली जो ज्योमेट्री है ना उसका स्टार्ट होता है पॉइंट से। पॉइंट 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 पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं। अब वो रे बन जाए, लाइन बन जाए, या वो लाइन सेगमेंट बन जाए, लेकिन वो बनती कैसे है? वो पॉइंट के मिलने से बनती है। तो डॉट को बोलते हैं पॉइंट। ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो वो लाइन होती है, जिसके टू एंड पॉइंट्स हो, और टू एंड पॉइंट्स का मतलब है कि ये एक कंफर्म मेजरमेंट की लाइन होगी। जैसे आपसे कहा जाएगा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो आपने 4.1 का भी नहीं आप ड्रॉ कर सकते। ये लाइन सेगमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट की लाइन होती है, जितने सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई सो हो गई, फिर ये अप टू सो ऑन, कभी भी इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लाइन दोनों साइड पे बढ़ सकती है, लाइन सेगमेंट कभी भी नहीं बढ़ सकता, इसमें इंक्रीजिंग नहीं होती। और रे जो है वो वन साइड पे इंक्रीज हो सकती है, वो लाइन उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। ये सारा आपके साथ प्रीवियस नॉलेज ही शेयर हो रहा है। नाउ दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स। दीज आर अवर बेसिक एंगल्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स। वन इज एक्यूट, एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90। सेकेंड इज राइट एंगल, राइट एंगल इज एग्जैक्ट 90। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, यानी कि 90 से ग्रेटर 180 तक सबके सब जो है वो ऑब्ट्यूस है। ये बेसिक, इनको हम बोलते हैं बेसिक टाइप्स। इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं जो कि हम एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90, सेकेंड वन इज राइट एंगल एग्जैक्ट 90,
ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 80 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को, 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। फिर रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, क्योंकि टोटल जो एंगल्स हैं हमारे पास वो हमारी प्रोटेक्टर में तो 180 होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपर साइड का 180 है, अगर उसके डाउनर में लिखोगे तो 180 और भी होते हैं, टोटल 360 एंगल्स हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम कहते हैं वो क्या है बेटे, वो 180 से स्टार्ट होते हैं, 181 से जैसे, और वो आएगा 360 तक डिग्री तक, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड नंबर वन इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है जो कि 360 पे जाके एंड होता है, 0 और 360 डिग्री की जो लाइन है वो सेम हो जाएगी। नाउ दिस इज अ शेप ऑफ एन एंगल। एंगल कब बनता है बेटे, व्हेन टू रेज ज्वाइन ईच अदर एट अ सेम पॉइंट। देखो मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करती हूँ या जो डायग्राम शेयर करती हूँ उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं देयर आर टू रेज, और रे की डेफिनेशन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अ रे हैविंग वन एंड पॉइंट। व्हेन टू रेज ज्वाइन ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट देन एन एंगल एग्जिस्ट। जब दो रे आपस में किसी पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, या जो भी आप उसे समझ लें उसको बेटे, उस वक्त हमारे पास एक एंगल प्रोड्यूस होता है। एंगल के अंदर टू रेज होती हैं, और जो ज्वाइनिंग पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों रेज आपस में ज्वाइन हो रही हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। सबको क्लियर हो रहा है, वर्टेक्स ज्वाइनिंग पॉइंट होता है किसी भी एंगल का, और एंगल कैसे बनता है, मैं टू रेज के ज्वाइन होने से। एक रे वन है, शायद आपको रे वन नजर नहीं आ रही होगी, देखो ये रे वन है, ठीक है, ये रे वन है हमारी और ये रे टू है, दो रेज हैं और दोनों रेज के जो एंड पॉइंट्स हैं, एरो वाले पॉइंट नहीं, जो एंड पॉइंट्स हैं जहां पे वो एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, उस ज्वाइनिंग पॉइंट को ज्योमेट्री लैंग्वेज में वर्टेक्स बोलते हैं। नाउ आगे चलते हैं हम लोग, वर्टेक्स की समझ आ गई आपको, और आपको ये भी समझ आ गई कि रेज क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, और जब दो रे आपस में मिलती हैं तो एक एंगल बनता है, और एंगल का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब जो जो चैप्टर हमने करना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बुक से, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ पर बेटे सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को, ज्योमेट्री को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ज्योमेट्री की मैं आपको बहुत सी बातें बता चुकी हूँ, ज्योमेट्री बेसिकली जो है बेटे वो ग्राफ्टिंग, मेडिसिन के शोबे में, आर्किटेक्चर में, और इसमें इंजीनियरिंग में बहुत जगह पे ज्योमेट्री ही यूज होती है। यानी कि आपने कोई बिल्डिंग कल को बनानी है, आपने कोई ब्रिज बनाना है, आपने कोई कोई भी चीज दुनिया की बेटे जो बनानी है, आपने फर्ज करने की रोड ही कल को बनानी है, कोई भी चीज आपने बनानी है उसमें मेयरमेंट्स, उसकी शेप, उसकी ईच एंड एवरी थिंग जो है वो हमारी ज्योमेट्री, जो हमारी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ज्योमेट्री, उसके साथ ये डील कर रही होगी। इन अदर वर्ड्स, अब आप ये अर्थ की मेयरमेंट ले लें, आप पाकिस्तान की मेजरमेंट ले लें, आप इसकी मार्स पे दुनिया चली गई है, आप मार्स की मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ज्योमेट्री को यूज करके। इन रूल्स को, इन फॉर्मूलाज को हम यहाँ यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ जो एंगल है उसकी प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। एंगल्स को एक सिंबल यहाँ पर डिनोट किया गया है, वो एंगल का सिंबल है, इसका मेयरिंग यूनिट जो है एंगल का वो डिग्री है, एंगल का एक साइन होता है, आपने जब भी एंगल लिखना है हमें वो साइन बनाना पड़ेगा, एंगल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल, उसके आगे वो साइन बना हुआ है। इसका मेयरिंग यूनिट क्या है बेटे, डिग्री है। इसकी जो रेज हैं उनको रेज नहीं बोलते, होती तो वो रे है लेकिन अगर वो सिंगल होगी तो वो रे होगी, जब वो ज्वाइन हो गई और उसने एक एंगल बना दिया फिर वो रे नहीं रही, उसको हम बोलेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। ये बात समझने की जरूरी है आपके पास कि
कि सिंगल अगर आप एक रे लगा रहे हो तो वो एक रे है, लेकिन अगर टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट तो हम वहां पर एक एंगल एग्जिस्ट करता है. जब एंगल हो जाता है ना तो वो रे रे नहीं रहती, उसको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल. नाउ देयर आर टू आर्म्स ऑफ एंगल, हर एंगल की टू आर्म्स होती हैं, यानी कि टू रेज मिलकर एक एंगल बनाती हैं और उन रेज को फिर हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल. और उस ज्वाइनिंग पॉइंट को यानी कि हम कुछ और नहीं कह सकते, कोना शोना नहीं बोल सकते, उसको नाम है वर्टेक्स. जहां वर्टेक्स बनता है वहां एंगल बनता है, और जो रेज होती हैं वो होती हैं आर्म्स ऑफ एंगल. फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका सिंबल, हम एंगल को सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं, और फिर एंगल का मेजरिंग यूनिट क्या है, डिग्री. जैसे बड़े मेजरिंग यूनिट हैं, वेट को किस में मेजर करते हैं, केजी में. लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में. इसी तरह लिक्विड को हम करते हैं लीटर्स में, तो बेटे एंगल को करते हैं डिग्री में. यानी कि जब भी आप कोई एंगल लिखोगे उसका यूनिट यानी कि उसके ऊपर डिग्री आपको साथ लिखना पड़ेगा. ये एंगल्स हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले बेटे आप अपना या आप बुक से खोल लें, बुक पे आपका पेज नंबर है 130 पेज के सेंटर में एडजेसेंट एंगल. सब स्टूडेंट्स प्लीज ओपन 130 पेज. ये डायग्राम और ये डेफिनेशन वहां भी लिखी हुई है, आपकी विंटर वर्क में भी लिखी हुई है, ये या आपने याद करनी है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन के बगैर बेटे अब हमारा फंडामेंटल ज्योमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा. क्या डेफिनेशन है और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. ये कॉम्बिनेशन है टू एंगल्स का, अलग अलग नहीं है, कॉम्बिनेशन. यानी कि करीब करीब दो एंगल होंगे, ऐसे नहीं कोई एक एंगल कहीं तो एक एंगल कहीं है. ये टू एंगल्स, टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स. And you well know what is vertex. मैंने आपको क्लियर किया था कि vertex क्या होता है, ठीक है. जहां पर दो rays आपस में एक दूसरे को join करती हैं और एक angle produce होता है, उस corner को vertex बोलते हैं. तो adjacent angles ऐसे दो angles होते हैं जिनका एक तो vertex same हो and number two उनकी one arm common हो. Each angle having two arms. तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स जिनके अंदर एक तो उनका वर्टेक्स सेम हो एंड सेकेंडली उनकी वन आर्म कॉमन हो. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पिक्चर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, उस पिक्चर में मैंने एक एंगल को ब्लू कलर किया, आपको समझाने के लिए किया है, हम हर वक्त कलर नहीं करेंगे. और दूसरे एंगल को मैंने रेड से शो किया. अब देखो ए ओ सी जो ब्लू कलर का एंगल है, एंगल ए ओ सी जिसे मैं ब्लू कलर दे रही हूँ, वो हमारे पास पहला एंगल है. उसके टू आर्म्स हैं, एक आर्म का नाम है ओ ए, उसके सेकंड आर्म का नाम है ओ सी. फिंगर रखेंगे और प्लीज आप सब इस पिक्चर को फिंगर रख कर देखें मैं क्या बोलती हूँ. ओ ए फर्स्ट आर्म ऑफ दिस एंगल एंड ओ सी इज द सेकेंड आर्म ऑफ दिस एंगल जिसे मैं ब्लू कलर से यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है. इसकी टू आर्म्स हैं. अब बेटे इसकी जो सेकेंड आर्म है ना ओ सी, वो जो रेड कलर का एंगल है जो कि बी ओ सी के नाम से है, उसकी और उसकी एक आर्म कॉमन है. ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जिनके अंदर वन आर्म कॉमन हो और उनका वर्टेक्स भी सेम हो, उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. क्लियर? और जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल्स बाईसेक्टर्स हों. बाईसेक्टर क्या होता है कि अगर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया है तो एग्जैक्ट 31 और 38 वो बाईसेक्टर्स होते हैं. यहाँ बाईसेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनके अंदर डिग्री का सेम होना जरूरी नहीं. अगर आपका एक फर्ज करें जो पहला एंगल है वो सपोज कर लें अगर 20 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 50 का भी हो सकता है, दूसरा एंगल 90 का हो सकता है, दूसरा एंगल 120 का हो सकता है, कोई भी. यानी कि ये जो दो एंगल्स है ना, इनकी डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री सेम होने जरूरी नहीं है. सिर्फ आपने ये देखना है कि उनके अंदर वन आर्म कॉमन हो और उनका वर्टेक्स सेम हो, तो बेटे वो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स.
अब एडजेसेंट एंगल्स को पहले डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो थोड़ी सी समझाऊंगी। ये एक और मेरे पास डायग्राम है। सबसे पहले आप एडजेसेंट एंगल्स को सीख लें। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन में ही टू एंगल्स आते हैं। एडजेसेंट एंगल किसी एक सिंगल एंगल से बन ही नहीं सकते। ये एंगल नहीं है, ये एंगल्स हैं। देर आर टू एटलीस्ट टू एंगल्स, ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि फाइव सिक्स आप एंगल्स ड्रॉ कर लें जो कॉमन आर्म के साथ, सबके सब हमारे पास एडजेसेंट हो जाएंगे। अभी अर्ली स्टेज पे आपको समझाने के लिए जो है ये टू एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा टू एंगल आएंगे, एडजेसेंट एंगल्स मोर देन टू भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल को जब रीड करना होता है ना बच्चों, तो हमेशा जो वर्टेक्स है उसको सेंटर में बोलते हैं, लिखते भी सेंटर में है, वर्टेक्स सेंटर नहीं छोड़ता। अब एंगल का नाम देखो मैं कैसे बोलूंगी, मैं बोलती हूँ एंगल ए। स्क्रीन पे देखें ए कहाँ है, जो एंगल मैं बोल रही हूँ मेरे साथ पढ़ना सीखें, एंगल ए ओ बी, दिस इज माई फर्स्ट एंगल हैविंग टू आर्म्स, बट वन आर्म इज शेयरिंग विद द अदर एंगल। ये जो रेड कलर की आर्म है सेंटर वाली, जिसे मैं बी का नाम दिया है, ये बेटे ऊपर वाले एंगल की भी आर्म है और नीचे वाले एंगल की भी आर्म है। तो ऐसे टू एंगल्स जिनके अंदर वन आर्म कॉमन हो और जिनका सेम वर्टेक्स ओ हो या कोई भी वर्टेक्स हो, यानी कि यहाँ पे ओ है, तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। देयर आर टू एडजेसेंट एंगल्स, वन एंगल इज ए ओ बी एंड सेकेंड एंगल इज, मर्जी है आप सी ओ बी भी रीड कर सकते हैं, आप बी ओ सी भी रीड कर सकते हैं। अगर आप उसको अरेंज करके एंगल का नाम देना चाहते हैं तो आप बी ओ सी बोलेंगे, अनअरेंज है तो फिर सी ओ बी कोई भी बोल दें वो भी ठीक है, लेकिन बी ओ सी मेरा सेकेंड एंगल है, ए ओ बी मेरा फर्स्ट एंगल है, और इन दोनों में वन आर्म कॉमन है, इसलिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। अब ये देख लें, यहाँ पर मैंने वर्टेक्स चेंज किया है, मैंने यहाँ पर नेम भी चेंज किए हैं, ये बताने के लिए कि हर वक्त जो है वो ए ओ बी एंगल नहीं आता। एंगल का कोई भी नाम हो सकता है, पूरी की पूरी ए बी सी आपके एंगल्स हैं, बस कैपिटल लेटर लिखते हैं एंगल का, जब भी आपने नाम देना है कैपिटल लेटर से देना है। अब इस डायग्राम को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बच्चों, ये जो डायग्राम है ना बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। नंबर वन, मेरा नंबर वन पॉइंट ये था जो बात मैं आपको समझाना चाहती थी और मैंने इस डायग्राम में बनाया भी। देखो जो मेरा नीचे का एंगल है जे ए टी, आप सब अपनी स्क्रीन पे फिंगर रखें, देखें जे कहाँ लिखा है, जे ए टी। अब इसका जो एक एंगल बना है बेटे वो डिफरेंट है, यानी कि सपोज वो 30 डिग्री है, तो जो दूसरा एंगल है ना डी, अब डी देखें ऊपर है सबसे ऊपर, डी ए जे, डी डी देखो सबसे ऊपर है, डी ए जे ये सेकेंड एंगल है और इसकी डिग्री कोई और ही होगी। ये सेम डिग्री के एंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और इन दोनों का एक ज्वाइनिंग एंगल भी यहाँ पे बन रहा है जो कि इन दोनों को मिला के है, वो भी आपने अपनी नजर से नहीं छोड़ना। उसका क्या नाम होगा, डी ए टी। बेसिकली ये एक ही एंगल था, डी ए टी। स्टूडेंट्स प्लीज आप भी फिंगर अपनी स्क्रीन पे रखें ताकि आपको पता चले कि मैं किस एंगल का नाम ले रही हूँ। डी, जहां डी है वहां से एंगल की लाइन के साथ लाइन चलाएं, ए टी, दिस इज द बिगर एंगल। अब मैं सेंटर से इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एक और एंगल बना है जो कि कॉमन आर्म दे रहा है दोनों को। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है, कभी आपके घर में पिज्जा आया, आप पिज्जे को सेंटर से जब आप उसकी पार्टीशन करते हैं तो एक ट्रायंगल शेप का हम एक पीस उसमें से नॉर्मली निकाल रहे होते हैं। तो हर जो पार्ट हम पिज्जा की कर रहे हैं, पिज्जा की हर पार्ट में जो सेंटर लाइन है जिसे आप कट करते हैं पिज्जा का वो पीस बनाने के लिए, उसको तो एडजेसेंट बोलते हैं। असल में हम तब एडजेसेंट एंगल्स बना रहे होते हैं। कभी अब आप पिज्जा खाएं तो प्लीज इन चीजों को देखें,
ये वही डायग्राम है, मैंने आपको एडजेसेंट एंगल समझाने के लिए इनके नाम लिख दिए हैं। आप ना बेटे प्लीज अपनी कॉपी पे मेरी हर स्क्रीन को नोट किया करें, आप मेरे लेक्चर के बाद, ताकि आपको याद रहे मैं आपको क्या समझा रही थी। यहाँ पर मैंने एक जे का जो है आर्म, वो मैंने यहाँ पे कॉमन की है, मेरा ए वर्टेक्स कॉमन है, यहाँ पर डी ए जे ए का एंगल है, जे ए टी मेरा दूसरा एंगल है, और इनके अंदर जो जे आर्म है, जे आर्म जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रही हूँ, ये हमारे पास है बेटे कॉमन आर्म, आर्म कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन नहीं बोलना, वर्टेक्स बोलना है, सेम सेम वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, सेम वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है। और अब आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करते हैं पिज्जा की। आ गया पिज्जा, भूख भी लग रही होगी, रात रूत को खा लेंगे इनको पिज्जा को, लेकिन जब आपके पास पूरा पिज्जा है, अब देखिए मैं इसके अंदर कटिंग की एक लाइन शो करती हूँ। ये बेटे हमारे, अब देखो मैंने वर्टेक्स, वो सेंटर पिज्जा का वो हमारा वर्टेक्स बन गया, और जी ये जो सेंटर में हमने कट लगाया है, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, वो मुझे तो तिक्के भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर, लाइन भी नजर आ रही है, ये जो सेंटर की लाइन है ना बेटा, ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं, तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल एंड यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल इन योर रोटी और इन योर केक। अभी तो खैर भूख लग रही है मुझे, और मेरा पिज्जा खाने को बहुत दिल भी चाह रहा है। चले हम सब आज वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल सीखेंगे पिज्जा पे। अच्छा जी, अब अच्छा एक बात रिकॉर्डिंग के बाद शेयर करूंगी। ये आपके पास आगे हैं एंगल, एंगल आ गया, कौन बताएगा आप कहाँ हैं आप लोग? जी क्या हुआ अब्दुल्ला जाहिद चले गए? इधर आओ अब्दुल्ला जाहिद, अब्दुल्ला जाहिद मलिक, हेलो, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक एंगल नजर आ रहा है, क्या आप इसके नेम रीड कर सकते हैं? यस बताइए बताइए। इस एंगल फुल मुझे नजर नहीं आ रहा, वो ऊपर कुछ आ रहा है। अच्छा 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 ठीक है, चलें अब आ रहा है एक एंगल आ रहा है, अब भी नहीं आ रहा। क्यू हाँ जीरो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, वेरी गुड, क्यू ओ आर मेरा यहाँ पर, या आपका भी है, हमारा फर्स्ट एंगल है। अब मैं आपको सेकंड एंगल दिखाती हूँ, अब पढ़ें, अब आर ओ आर ओ पी जो है ये मेरा सेकंड है। नाउ दीज आर टू एंगल्स एंड दीज एडजेसेंट एंगल्स। तो अब्दुल्ला जाहिद यहाँ पर जो कॉमन आर्म है उसका क्या नाम है? आर 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 इज अवर कॉमन आर्म एंड सेम वर्टेक्स क्या है यहाँ पर? ओ नो बेटा, ओ लिखा हुआ है, जीरो भला एबीसी में आता है? एबीसी के नाम देने हैं क्या आपने, नंबरिंग के नाम दे देने? नहीं नहीं टीचर, नंबरिंग के नहीं। ओके जी चलें, ये वाली स्क्रीन अच्छी है, और ये तो बहुत अच्छी है।